अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उदरुस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप तमाम ही अहबाब का इस्तकबाल है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ की हमारी ये पहली वीडियो है जिसमें हम मुब्तदा खबर या जुमला इस्मिया से मुतालिक बात करेंगे। इंग्लिश में मुब्तदा खबर को क्या कहते हैं और जुमला इस्मिया किस तरह बनाया जाता है, इसमें इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात क्या क्या होती हैं, आइए इन चीज़ों को हम तमाम तर तफसीलात के साथ जानने की कोशिश करते हैं। जब कभी हम इंग्लिश में जुमला इस्मिया बनाते हैं तो सबसे पहले जिस लफ्ज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्ट हर ऐसा इस्म होता है जिसके बारे में कोई ख़बर दी जाती है, इसको उर्दू या अरबिक ग्रामर के लिहाज से मुब्तदा कहा जाता है। मुब्तदा क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, कौन कौन से अस्मा मुब्तदा बन सकते हैं, इस सिलसिले में बेसिक कायदा यह है, एनी नाउन कैन बिकम सब्जेक्ट लाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रोनाउन। कोई भी इस्म मुब्तदा बन सकता है जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन्स डिनोट टू स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस एज जैद, दिल्ली एट्सेट्रा। प्रॉपर नाउन वो अस्मा होते हैं जो किसी ख़ास शख्स या किसी ख़ास मकाम या फिर किसी ख़ास चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसा कि जैद ये एक ख़ास इंसान की ज़ात पर दलालत करता है और इसी तरह से दिल्ली ये एक ख़ास मकाम की तरफ इशारा करता है, तो ये दोनों प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। प्रॉपर नाउन को अगर हम उर्दू या अरबिक ग्रामर के हिसाब से जानना चाहें तो इसको हम इस्म आलम या फिर इस्म ख़ास से ताबीर कर सकते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन्स डिनोट टू अ कॉमन थिंग और प्लेस एज मोबाइल, सिटी एट्सेट्रा। कॉमन नाउन वो अस्मा होते हैं जो किसी आम चीज़ या फिर किसी आम मकाम की तरफ दलालत करते हैं, जैसा कि मोबाइल। मोबाइल का वर्ड जब बोला जाता है तो इससे एक आम नक्शा हमारे जहन में आता है जो कि मुतअद्दिद तरह के मोबाइलों को, मुतअद्दिद ब्रांड्स के मोबाइलों को शामिल होता है। इसी तरीके से जब सिटी का लफ्ज़ बोला जाता है तो हमारे जहन में एक आम नक्शा आता है जो कि मुतअद्दिद शहरों को शामिल होता है, तो इसको कॉमन नाउन कहा जाएगा। कॉमन नाउन को अरबिक या उर्दू ग्रामर के लिहाज से इसमें आम या फिर इसमें नकिरा से ताबीर करते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन एज ही शी एट्सेट्रा। प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी नाउन या इस्म के कायम मकाम होते हैं, जो किसी इस्म की जगह लेते हैं, उनको हम प्रोनाउन से ताबीर करते हैं। प्रोनाउन को उर्दू या अरबिक में इस्म ज़मीर या फिर ज़माइर के नाम से जाना जाता है। आइए प्रोनाउंस पर थोड़ी हल्की एक झलक डालते हैं और प्रोनाउंस को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट्स सी। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस बेसिकली तीन तरह के होते हैं जिनमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऐसे ज़माइर जो कि फ़ाइल या फिर मुब्तदा पर दलालत करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हम फ़ाइल या मुब्तदा बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस ऐसे ज़माइर होते हैं जिनको हम मफ़ूल की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम मफ़ूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो मिल्कियत या कब्ज़े पर दलालत करते हैं, इनको उर्दू या अरबिक में इजाफी ज़माइर से ताबीर किया जा सकता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस में सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आई, इसका मतलब होता है मैं और इसका इस्तेमाल वाहिद मुतकल्लिम के लिए किया जाता है। वी, इसको जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू, इसको जमा मुखातब और वाहिद मुखातब दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे, इसको जमा गाइब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लोग। ही, वो वाहिद मुज़क्कर गाइब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी, वो वाहिद मुअन्नस गाइब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट, इसको गैर ज़वील उक़ूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में पहले नंबर पर आता है मी, आई के मद्दे मुकाबिल, इसका मतलब होता है मुझे, वाहिद मुतकल्लिम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अस, हमें, जमा मुतकल्लिम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यू, तुम्हें, आपको, इसको वाहिद और जमा मुखातब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देम,
उन्हें उनको इसको जमा गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिम उसको इसको वाहिद गायब मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर उसको इसको वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट उसको इसको गैर ज़बीन उक़ूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउंस में पहले नंबर पर है माई, ये आई या मी का मद्दे मुकाबिल होता है, मतलब मेरा वाहिद मुतकल्लिम के लिए। आवर हमारा जमा मुतकल्लिम के लिए। योर तुम्हारा वाहिद और जमा मुखातब दोनों के लिए। देर उनका जमा गायब के लिए। हिज उसका वाहिद गायब के लिए। हर उसका वाहिद गायब मुअन्नस के लिए। इट्स उसका गैर ज़बीन उक़ूल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो गुफ्तगू करेंगे वो सिर्फ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, और बाकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में हम अगली वीडियोज़ में तफसील के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह तबारक व ताला। तो चलिए देखते हैं, जब हमने इतना जान लिया है तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली जुमला मेकिंग की तरफ, हाउ टू मेक सेंटेंसेस। जब भी कभी हम जुमला बनाते हैं तो जुमला बनाने में हमने सबसे फर्स्ट नंबर पर ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पर हम अदात इस्नाद ऑक्सिलरी वर्ब इज आर एम में से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर हम प्रीडिकेट यानी खबर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में इज आर एम में से किसी एक का हम इस्तेमाल करेंगे। थर्ड नंबर पे हम प्रीडिकेट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट आई, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, आई एम। वी के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, दे के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे, और ही के साथ हम इस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से शी के साथ भी हम इस का इस्तेमाल करेंगे। ये तरतीब हमेशा के लिए आप लोग अपने जहन में रखिएगा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इस, और शी के साथ इस। अगर इसको हम मजमूई तौर पर तकसीम करना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं जमा के लिए हम आर का इस्तेमाल करेंगे, फिर चाहे वो गायब की जमा हो, मुतकल्लिम की जमा हो या मुखातब की जमा हो, और सब्जेक्ट चाहे कोई ज़मीर हो या फिर कोई प्रॉपर नाउन हो या फिर कोई कॉमन नाउन हो, तीनों सूरतों के अंदर हम आर का ही इस्तेमाल करेंगे। और वाहिद मुतकल्लिम के साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब एम का इस्तेमाल करते हैं, और वाहिद गायब फिर चाहे वो मुअन्नस का हो, मुज़क्कर का हो, गैर ज़बीन उक़ूल का हो, तीनों के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सी, प्रीडिकेट खबर, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ, वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग तलबा हैं, यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। इसी को अगर जमा के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो बोलेंगे यू आर डॉक्टर्स, आप लोग डॉक्टर हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो लोग दोस्त हैं। ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। शी इज़ अ नर्स, वो एक नर्स है। ये कुछ जुमले हुए, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हुए मुब्तदा खबर के बनाने के। तो आप लोग इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और मश्क करने की कोशिश कीजिए, और इस सीक्वेंस और तरतीब को हमेशा के लिए जहन में रखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद प्रीडिकेट यानी खबर, ये तरतीबवार इस्तेमाल होंगे। या यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए जुमले दिए जा रहे हैं, आप लोग उनको नोट डाउन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करने की कोशिश कीजिए। अपने तौर पर इन जुमलों की इंग्लिश बनाइए। सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रीडिकेट की तरतीब का ख्याल रखिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि बहुत से लोग इस्तेफादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।